शालोम, हमें यीशु के हकीकी शागिर्द यानी अमली शागिर्द बनना है। वेलकम फ्रेंड्स टू माई चैनल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। मुकदस मत्ती के सातवें बाब में हमें यीशु का वाज जारी मिलता है और इसमें खुदावन सबसे पहले हमें दूसरों को अपने फैसले सुनाने के बारे में दर्श देते हैं। इस बाब की पहली छः आयात में यीशु अपने हकीकी शागिर्द को ये समझाते हैं कि दूसरों को जांचने से पहले खुद को जांचना ज़्यादा मुनासिब है। असल में गुज़िश्ता डिवोशन में भी आपसे अर्ज़ की थी कि यीशु अपने हकीकी शागिर्द के किरदार को बुलंदियों पर देखना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसे काम करने को कहते हैं जो एक आम इंसान के लिए नामुमकिन होता है। आज देखा गया है कि हम दूसरों के बारे में फैसला करने में जल्दी से काम लेते हैं और उसी फैसले पर अपने आप को या अपने किरदार को नहीं परखते। इसलिए इन छः आयात में जो मफहूम निकलता है वो यही है कि जो फैसला हम दूसरों के लिए करते हैं, जो ऐब हम दूसरों में देख रहे होते हैं, जो खराबियाँ हम दूसरों के इज्साम या किरदारों में देखते हैं, उसी सब को सामने रखते हुए पहले हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम किसी के काजी बनते हैं तो यकीनन खुदा जो सबका काजी है उसी ने हमारा फ़ैसला भी हमारे किए गए फ़ैसलों के मुताबिक ही करना है। लिहाजा हमें दूसरों के फैसले करने से पहले अपने किरदार को मजबूत और बुलंद करने की ज़रूरत है। फिर यीशु दो पालनहारों से मांगने यानी दुआ करने की बात करते हैं। यकीनन पालनहारा हमारा बाप होता है, लेकिन एक बाप आसमानी भी है जो सारी दुनिया की परवरिश करता है। यीशु उससे मांगने की बात करते हैं कि उससे हमें डरना नहीं बल्कि उससे हमें मोहब्बत और उस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब एक दुनियावी बाप से मांगकर हम हासिल कर सकते हैं तो आसमानी बाप भी हमें अच्छी चीज़ें ही हमारे मांगने पर देगा। और याद रखिए, आसमानी बाप का हमारे लिए यीशु से बढ़कर कोई और अच्छा तोहफा नहीं हो सकता, क्योंकि वो ज़िंदगी है जिसमें हमें कसरत की ज़िंदगी मिलती है। फिर खुदावन दो रास्तों की बात करते हैं, एक तंग और एक खुला। दुनिया हमेशा खुला रास्ता चलने के लिए पसंद करेगी, लेकिन तंग रास्ता हमारे खुदा का है जिस पर लोग चलना पसंद नहीं करते, लेकिन उसी तंग रास्ते के आखिर में हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। फिर इसी तरह यीशु दो दरख्तों की बात करते हैं, एक अच्छा फल लाने वाला और दूसरा बुरा फल लाने वाला। अजीजो, जो भी दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काट डाला जाता है और आग में झोंका जाता है। आज हमें ये सोचना है कि हम इन दरख्तों में से किसकी मानिंद हैं। फिर यीशु अपने कलाम पर अमल करने वाले को ऐसे घर बनाने वाले से तशबीह देते हैं जो अपना घर चट्टान पर बनाता है, क्योंकि चट्टान पर बने घर मजबूत होते हैं। लिहाजा अगर हम खुदावंद की बातों, उसकी तालीम और उसके अहकाम को मानते हैं तो हम मजबूत किरदार वाले होंगे। ये सिर्फ अपने होंठों से इसका ऐलान करने या इससे ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा बनने की कोशिश करने के बारे में ही नहीं, बल्कि ये जानना है कि वो हमारी हकीकी बुनियाद है और हकीकी शागिर्द की ज़िंदगी के हर शोबे को इसी पर उस्तवार होना चाहिए। अजीजो, आज आपने क्या सीखा है? हमारे पास हर रोज़ दो इंतखाब होते हैं, मसीह या दुनिया। हम आज किसको चुनेंगे? खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे और आज का दिन भी आपका बाबरकत और मुबारक गुजरे। सलामत रहें।